चीज़ बताऊँ, मुझे बचपन से लेडीज़ के कपड़ों का बहुत शौक है। वैसे मैंने कभी पहने नहीं है लेडीज़ के कपड़े, ओनली इन मूवीज़। लेकिन जब भी मेरी वाइफ शॉपिंग करती है तो पहले तो मुझे बहुत पसीने आते हैं, बट जो शॉपिंग करती थी हमेशा एकदम सही शॉपिंग करती थी, एंड शी इज़ ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड। तो मुझे पूरा यकीन था व्हेनेवर शी सेट्स अप एनीथिंग ऑफ हर ओन, इट विल बी रियली वेल क्यूरेटेड एंड इट विल बी अ ग्रेट ब्रांड, एंड आई एम वेरी प्राउड। मैंने जो फर्स्ट लाइन देखा है इनका, इट्स बीन रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं लंदन या न्यूयॉर्क पहुंच गया और वहां शॉपिंग कर रहा हूं, यू नो इट्स ग्रेट कलेक्शन। देयर इज नो कलेक्शन फॉर द मैन, तो मैन ना वही मेरा कंप्लेन है, बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना मैं लेडीज के कपड़े पहन के घूमूंगा। आई एम अ जोक, नो बट द ब्रांड इज गुड। I have to go up now. I mean up there to the shop. See you. I think it's superb that you know our Indian designers are doing so well, and especially they've gone into contemporary Western wear kind of a thing, you know, prep kind of a collection, which I think is superb. हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, especially you know आजकल तो हर event पे जाओ तो एक नई चीज़ पहननी पड़ती है, तो I think for people like us also it's very good, and I think the best thing about it is that it's very versatile. जहाँ पे इनके prices की बात है, आप अगर you know you go and buy the designers from abroad or you know international designers, it's very 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 expensive. So I think this is good that an Indian brand has come out which is you know catering to our needs, and at the same time the prices are fantastic. So what more do you want? तो क्या क्या खरीदने वाली हैं आज आप शॉपर्स? नहीं, आई हैव कम फॉर लव जनरेशन, सो फॉर लव जनरेशन अभी जाके देखूंगी एंड देखूंगी क्या खरीदूंगी, वो लौटते वक्त आप लोग को डिस्प्ले करती हूँ। ओके, डन, थैंक यू। मतलब खुश हूँ उनके लिए, ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों ही नंदिता मेरी डॉली माई वाइफ एंड भावना, ऑल थ्री ऑफ देम आर, उनके एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, एक अलग ही स्टाइल है, एंड आई थिंक ये लोग तीनों का मर्ज होना, आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर द न्यू जनरेशन। जैसे उनका ब्रांड है लव जनरेशन, कि इनके लिए कुछ नया मिलेगा जब तीनों के स्टाइल, जब आप उनको देखते हैं द वे दे ड्रेस इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, आई थिंक दे गोइंग टू मर्ज दैट एंड ब्रिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस न्यू जनरेशन। एंड माई ओनली मैसेज टू दम इज यार, लड़के लोग के लिए भी बनाओ, मतलब दे एम नॉट मेकिंग क्लोथ राइट नाउ, आई थिंक आप सबके लिए, हमारे लिए भी बनना चाहिए, एंड होपफुली जो उनका नेक्स्ट लाइन होगा विल बी फॉर आर जनरेशन ऑल्सो। मेरे तरफ से मैं तो पहले लव जनरेशन के शॉप पे जाऊंगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ शॉपिंग करनी है। आई एम जस्ट कम टू विश देम एंड स्टैंड बाय एंड गिव देम सम सपोर्ट एंड देन हेड बैक टू माय शूट। और देखिए, अगर फैशन की अगर बात की जाए तो आपका व्हाट्स पर्सनल फैशन स्टाइल मेरे सॉरी आप किस तरीके का फैशन, आई मीन यू नो आई थिंक मेरे हिसाब से फैशन और स्टाइल वो यू नो जिसमें व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल, जिन्हें आप पहन के कंफर्टेबल हो सकते हो, तो आई थिंक दैट विल व्हाट विल एक्सप्रेस एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड डू, बिकॉज एनीथिंग विच मेक्स यू कंफर्टेबल विल ऑटोमेटिकली ट्रांसेंड एंड मेक पीपल रियलाइज दैट यार दिस इज देयर। सो आई थिंक फैशन टू मी इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड यू बिलीव इन एंड व्हाट यू थिंक यू आर कंफर्टेबल इन। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसकी रिलीज डेट है जो हमने पहले कहा है, वी आर स्टिकिंग बाय दैट, एंड आई डोंट थिंक कुछ भी बैन का ऐसा हुआ है। द एसोसिएशन हैज़ देमसेल्व्स रिटन टू द गवर्नमेंट दैट पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड दिस फिल्म, जिन्हों की शूटिंग हो चुकी है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड लेट दोज मूवीज रिलीज, एंड वॉट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स इन द फ्यूचर दे विल टेक अ कॉल ऑन दैट। यू नो आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट, इट्स वेरी सेंसिटिव, आई डोंट थिंक इज राइट। आई थिंक राइट नाउ एवरी थिंग इज वेरी हीटेड, आई डोंट थिंक इट्स द राइट मोमेंट टू टॉक अबाउट इट, बट लाइक आई सेड इट्स द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू डिसाइड वॉट इज रॉन्ग फॉर अस, एंड द ओनली थिंग आई कैन से इज दैट माई हार्ट डज गो एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील अबाउट एट द उरी अटैक्स एंड ऑफकोर्स एंड बट इट वुड हैपन इन एनी अदर कंट्री इन एनी अदर प्लेस, माई हार्ट वुड स्टिल फील द सेम दैट यू डू फील बैड अबाउट द पीपल हू लॉस्ट देयर लव वंस एंड द सोल्जर्स हू हैव स्टूड देयर डिफेंडिंग अस, सो दैट इज कम्प्लीटली यू नो
something which you can fully, and terrorism of any kind, whether it happens on our soil or anywhere in the world, I think needs to be condemned, and I strongly condemn it. Just one answer question. Ji. I think when Deepika did it, this was about 2 years ago when she came out. I admire her for what she did, because I think it's important. Today you're a role model, what you do, and you influence. You're in a position where you influence millions of people. When you make a film, jo aap film mein dikhate, people get, you know, they look up to it, they identify with it, and they believe it. So if you are in a position of sending a message across, which is not every time only talking of your films or talking about promoting, or which is of personal, which can help society and all, because you're a role model and you're an influencer, you must do it. So if I think anybody else, if any actor of anything to say on a public awareness platform, which they strongly believe in, should say it, because people look up to them, follow them, and they do.